नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि गूगल की सर्च हिस्टोरी को कैसे डिलीट करें। जी हां दोस्तों, अगर हम मोबाइल में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पर कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं तो वो जो है गूगल की सर्च हिस्टोरी में सेव हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप जो है गूगल की सर्च हिस्टोरी को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल वीडियो चाहिए, जैसे कि मोबाइल के बारे में या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, फिर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल की सर्च हिस्टोरी को डिलीट करने के लिए हमारे को सबसे पहले इस विजेट पर क्लिक करना है। और अगर आपके मोबाइल में यह विजेट नहीं है तो आपको जो है ऐसे राइट तरफ ये जो है स्वाइप करना है, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा गूगल का। तो आपको जो है इधर सबसे ऊपर एक ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और अगर आप दोस्तों इसमें नहीं करते हैं और आपके मोबाइल में विजेट है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, विजेट को ओपन करेंगे, तो आपको जो है ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल का, ये ऑप्शन। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इधर भी ये ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा, ये ईमेल आईडी का। तो आपको दोस्तों इस ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसमें ओपन करने के बाद में दोस्तों हमारे को ऑप्शन मिलता है सर्च एक्टिविटी, ये देख लीजिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सर्च एक्टिविटी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो इधर दोस्तों आप देख लीजिए कि myactivity.com की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं सर्च एक्टिविटी। तो इस पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, ये जो सारी सेटिंग है वो सब सर्च हिस्टोरी के बारे में ही दी गई है। तो आप इस पेज को और ऊपर उठाएंगे तो आपको जो है सारी जितने भी आपने जो है गूगल पर कुछ भी सर्च किया है तो आपको सब इधर जो दिखाई देने लग जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने जो है 4 नंबर को सर्च किया, लास्ट 8 नंबर को मैंने सर्च किया है, देख लीजिए आप, सर्च एड फॉर सुपर टेक्निकल अशोक और एक सर्च एड फॉर रुपए, मतलब कि 8 नंबर को मैंने 2 सर्च किया है। तो ऐसे ही अगर आपको जो दिन भाई डिलीट करना है, जैसे कि एक दिन का डिलीट करना है, तो आपको जो है इधर क्लिक कर देना है और ये जो है मिटाएं इरेज पर क्लिक किया तो ये मिट चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जो दिन भाई डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आसानी से। और अगर आपको जो है सभी को साथ में डिलीट करना है, जैसे कि हमारे को तो गूगल की सारी सर्च हिस्ट्री को एक साथ में ही डिलीट करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है ये जो आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है ऊपर, आपको जो है इस पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, डिलीट एक्टिविटी बाय एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको जो क्लिक करना है, ये 3rd नंबर पर ऑप्शन है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और इधर जो हमारे को सारे के सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सब सर्च एक्टिविटी को, मतलब कि गूगल की सर्च हिस्टोरी को डिलीट करने के बारे में ही दिए गए हैं। तो इधर से दोस्तों हमारे को सारी की सारी गूगल की सर्च हिस्टोरी को डिलीट करने के लिए आपको जो है इस पर क्लिक करना है, एवरी टाइम ये जो 3rd नंबर पर ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो इधर दोस्तों लिखा हुआ आ गया है इरेज नाउ। और इधर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी की सारी हमारे को जो है गूगल की सर्च एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और ज़्यादा देखने के लिए हमारे को इस पर क्लिक करना होता है। इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देख लीजिए सारी की सारी आ चुकी है इधर। तो इस सभी को जो हमारे को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमारे को क्या करना होगा कि इस इरेज पर क्लिक करना है। तो इरेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ इधर, तो ये देख लीजिए कुछ लोडिंग ले रहा है और ये लिखा हुआ आ गया डिलीटेड। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बैक लेकर मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ है। तो अब मैं वापस बैक ले लेता हूँ, और ये गूगल का ऑप्शन है। तो इधर मैं वापस इस ईमेल के आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ईमेल आईडी के ऑप्शन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इधर मैं वापस सर्च एक्टिविटी पर क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ये पेज ओपन हो चुका है। तो मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, और आप देख लीजिए दोस्तों कि इधर कोई भी सर्च एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि कोई भी सर्च हिस्टोरी नहीं है, ये लिखा हुआ आ रहा है नो एक्टिविटी, मतलब कि सारी की सारी गूगल की सर्च हिस्टोरी है वो डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है मोबाइल से आसानी से गूगल की सर्च हिस्टोरी को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नई नॉलेज और कुछ जानकारी मिली होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।